हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपने अपने कमेंट ज़रूर करना। तो सरोज भाभी का बहुत दिन से जो कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी, फाइनली उनका अभी व्लॉग आया। अब व्लॉग में देख के ये पता चला कि उन्होंने घर छोड़ दिया है। बड़ी हैरानी की बात है कि सब लोग वीडियो के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतने दिनों में किसी को ये बॉदर नहीं हुआ कि वहाँ जाके उनसे पर्सनली मिल लें, उनकी प्रॉब्लम साझा कर लें, उनसे पूछ लें और उन्हें उस घर पर रहने के लिए बोले। सब ने अपने अपने एंड पे वीडियोज़ बनाई, वीडियो के माध्यम से अपना मैसेज कन्वे किया, लेकिन किसी ने बॉदर नहीं किया कि उनके पास चला जाए। वैसे बोला यह गया था बहनों द्वारा कि भाई को तो अगर एक आवाज़ मारेंगे तो भाई वहाँ पहुँच जाएगा, हमें भी अगर एक आवाज़ मारेंगे तो हम भी वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन बार क्या आवाज मारनी जरूरी होती है? क्या कभी किसी का रोना, किसी के एक्शंस, किसी की सिचुएशन देख के इंसान बिना बुलाए वहां पे नहीं पहुंच सकता कि हर बार बुलाने की फॉर्मेलिटी करनी ही जरूरी है? फिलहाल ये लोग वहां पहुंचे नहीं और सरोज भाभी ने घर वहां पे खाली कर दिया। उनकी वीडियो अभी आई जिसमें उन्होंने कुछ कुछ सामान जो है घर से लिया है। सारा सामान लेके वो घर से नहीं गई हैं, कुछ कुछ सामान लेके वो घर से चल पड़ी हैं। बाहर ट्रक भी खड़ा था जिसमें सामान भी लोड हुआ, नए घर का शिफ्टिंग भी दिखाया। बहुत बुरा लगा उनकी कंडीशन देख के, क्योंकि सरोज भाभी भी इमोशनल हो रही थी। घर छोड़ते वक्त वो भी रो रही थी क्योंकि बहुत सारे सपने लेके वो उस घर में आई होंगी और बहुत सारे सपनों के साथ उनके मम्मी पापा ने उनको उस घर के लिए विदा किया होगा। लेकिन आज इतने साल उस घर को देने के बाद भी वो इतनी कंफर्टेबल क्यों नहीं हुई कि वो उस घर में रुक गई और कैसे उस घर से चली गई, यही सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। जहाँ पे सब बहनें अपने अपने घर पे हैं, भले ही उन्होंने अपने बलबूते पे वो घर लिया हो, क्योंकि कल की वीडियो में सपना दीदी ये बोलती हुई नज़र आ रही थी कि मेरे को किसी ने भी ससुराल से सपोर्ट नहीं किया, अगर मेरे पास किसी का सपोर्ट होता तो आज मेरी कंडीशन, मेरी हालत कुछ और ही होती, लेकिन तेरे साथ तो हम खड़े हैं। लेकिन बोलने भर से कुछ नहीं होता कि हम साथ खड़े हैं, हम साथ खड़े हैं। कभी कभी हमें अपने एक्शंस में वो साथ खड़ा हुआ दिखाना भी पड़ता है, वो फील कराना भी पड़ता है और वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट होना भी पड़ता है। लेकिन कोई भी वहाँ पे नहीं पहुँचा, क्योंकि अगर ये लोग वहाँ पे पहुँचते तो शायद उनको समझा सकते थे, समझा बुझा के उनको घर पे रहने और रुकने के लिए बोल सकते थे, लेकिन किसी ने जाना वहाँ पे ज़रूरी नहीं समझा और आज वो घर छोड़ के जो है वहाँ से चली गई हैं। सब अपनी दुनिया में मग्न हैं, अपनी ज़िंदगी में मग्न हैं, लेकिन वहाँ पे सर के ऊपर से छत भी चिन चुकी है सरोज भाभी की, जो देख के सच में अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि वो अपने घर से आखिर क्यों गई। कुछ लोगों का इस पर थोड़ा सा डाउट भी है। कुछ लोगों का कहना ये है कि ये जस्ट व्यूज़ के लिए किया जा रहा एक ड्रामा हो सकता है, थोड़े दिन में ये घर वापस आ जाएंगी क्योंकि व्यूज़ बहुत ज़्यादा ड्रॉप जा रहे थे, कंटेंट नहीं था, तो इसीलिए कंटेंट के लिए ये एक नया कंटेंट क्रिएट किया गया है, उसके बाद थोड़े दिन बाद ये घर चली जाएंगी। लेकिन सरोज भाभी कोई एक्टर नहीं है, आप सब और मैं भी उन्हें बहुत टाइम से देख रहे हैं। किसी के रोना एक्टिंग नहीं हो सकता, किसी के इमोशंस कभी एक्टिंग नहीं हो सकते, वो भी गांव देहात के लोगों के अंदर कहाँ इतनी कला आएगी कि वो रोने धोने लग जाएं। वो जिस तरीके से रोई हैं, रोने से सबसे बड़ी बात उनका ये वाला गाल, अगर आप लोगों ने गौर से देखा होगा आज, तो उनके इस वाले गाल में ना पूरा स्वेलिंग था। इससे ये लग रहा था कि कुछ ना कुछ मार पिटाई भी उनके साथ हुई है। खैर उन्होंने बताया भी कि मार पिटाई तो उनके साथ होती है, लेकिन उनके चेहरे पे वो सूजन, वो स्वेलिंग, ये दिखा रही थी कि उनके चोटें भी आई हैं जो उन्होंने अभी डिस्प्ले नहीं करी। अभी उनके इमोशंस बस इसी चीज़ से टूटे हैं कि वो घर से वो जा रही हैं। चाहती तो वहाँ पर रुकती, अपने हक से रुकती, अगर की क्या होती, लालची होती। किसी चीज़ का उन्होंने लालच नहीं किया, अपना बोरिया बिस्तरा उठाया, अपनी कुछ बेसिक चीज़ें, बेसिक सामान उठाया और वो वहाँ से घर छोड़ के चली गई अपने बच्चों को साथ लेके। बुरा लगता है बच्चों के लिए कि बच्चों का आगे क्या भविष्य होगा। ये टाइम था बच्चों को एक सही डायरेक्शन देने का, उनके करियर के लिए, आगे की उनकी ग्रोथ के लिए, लेकिन बाप से तो क्या उम्मीद करें। यहाँ पे माँ और बच्चे भी घर से बेघर हो गए हैं, उनके घर के ऊपर से अपनी कहने वाली खुद की छत आज नहीं है। अगर वो कम्फर्टेबल होती या उनको ये घर ये बोल के दिया जाता या बोला जाता कि ये घर तुम्हारा ही है, तुम्हें यहाँ से नहीं जाना है, तो शायद वो घर छोड़ के वो कभी जाती नहीं। लेकिन शायद उस घर में उन्हें अपनापन का कभी एहसास ही नहीं हुआ या उन्हें ये एहसास कराया ही नहीं गया, या क्या पता उनसे क्या बोला गया या क्या उन्हें टोंट मारी गई। जैसे कि उन्होंने बताया भी कि उन्हें टोंट बहुत मारी जाती है, क्या पता क्या ताना उन्हें मारा गया जो ताना उनको इतना ज़्यादा चुभ गया कि आज इस नतीजे पर वो पहुँच गई है। मुझे अभी भी यही लगता है कि अब तो वहाँ पे चले जाओ, आप लोग तो एक आवाज़ पे जाने वाले लोगों में से एक हो, एक आवाज़ पे एक दूसरे के साथ खड़े होने वालों में से एक हो, तो इस समय वो बच्चे, वो औरत जो अपने घर का छत छोड़ के चली गई है, उसको समझाओ
उसको समझाओ, उसको प्यार से उस घर के अंदर वापस लेके आओ, जिस प्यार दुलार से आपके माता पिता उसको बहू बना के घर की लक्ष्मी बना के लेके आए थे, और जिस औरत ने 20-25 साल तक अपना पूरा 100% उस घर के लिए दिया है, उस घर के हर एक मेंबर की सेवा करी है, इज्जत करी है, लेकिन आज अगर वो टूटी है या यही बोलिए ज़िद भी कर रही है, क्योंकि उनका इस समय दिमाग शायद ढंग से काम नहीं कर रहा होगा। जब इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेस होता है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तो उसके सोचने समझने की क्षमता भी ना बहुत कम हो जाती है। वहाँ पे कौन उनके दिमाग में अच्छी चीज़ें डालता है? अपने घर के लोग, क्योंकि उनका दिमाग इस समय नहीं चल रहा है, उन्हें जो सही लग रहा है वो चीज़ कर रही हैं, आगे पीछे का नहीं शायद सोच पा रही हैं। लेकिन इस समय आप लोग उन्हें समझा सकते हो, और वो कभी बात टालती भी नहीं है, क्योंकि ये बात तो खुद कई बार दोनों दीदियों ने भी बोली हैं कि वो जो है अरमान की बात नहीं टालती हैं। तो अरमान क्यों उनको नहीं बोल रहे हैं, या क्यों उनसे बात नहीं कर रहे हैं, या क्यों वहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं? क्योंकि शायद इसलिए भी नहीं जा पा रहे हैं कि उनके खुद के इतने ज़्यादा वर्क कमिटमेंट्स हो रखे हैं इस वक्त। वो खुद इस वक्त इतने ज़्यादा बिजी हो रखे हैं कि एक वाइफ दिल्ली में है, एक चंडीगढ़ में है, शायद इस वजह से भी हो सकता है कि उनको वहाँ जाने का टाइम नहीं लग पा रहा है। लेकिन कोई तो जाए, इतना बड़ा परिवार है बोलने को और साथ रहने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो कोई तो जाए जो वहाँ पे उनको संभाले, समझाए कि तू हमारे घर की बहू है, हमारी भाभी है, और इस घर से तेरा रिश्ता कोई तोड़ नहीं सकता। जब तक तुम इस घर में हो तब तक हमारा भी आना जाना है, तुम इस घर में नहीं हो तो हम क्या करेंगे इस घर का। तो थोड़ी सी चीज़ें बुरी लगी, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूं कि ऐसा ऐसा सिनेरियो हो गया है। मुझे लग रहा था चीज़ें शायद सॉर्ट आउट हो जाएंगी, क्योंकि जिस हिसाब से सबके सब अपने अपने एंड पे वीडियोस बना रहे थे, मुझे लग रहा था मैटर ये लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे और उनको घर से जो जाने की उनके मन में इस समय बात है उस बात को वहीं ख़त्म कर देंगे और घर पर रहने के लिए बोल देंगे। लेकिन देखा कि किसी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि हमें व्लॉग में कुछ दिखा नहीं, सब ने अपने अपने एंड पे सिर्फ वीडियोस बनाई हैं, वीडियोस के अलावा किसी ने कुछ नहीं किया, और वो घर छोड़ के आज चली गई। सो फ्रेंकली स्पीकिंग ये चीज़ देख के दिल बहुत टूटा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि उनके पास बहुत ज़्यादा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। फिर हार जैसे कि जस्टिफिकेशन बार बार आ रही है, जब 20,000 वाली बात आई तो 20,000 वाली बात पे सरोज भाभी ने बोला कि कोई 20,000 रुपये नहीं मिलते, हमें 5,000 रुपये मिलते हैं, और 5,000 रुपये में घर के बच्चों का पालन पोषण करना मुश्किल होता है। वहीं पर कल सपना दीदी ने एक बात बोली कि 5,000 तो मिलते हैं, लेकिन उसके अलावा दोनों जो चैनल हैं वो अब इन्हीं के पास हैं, यानी कि जो चैनल पहले अरमान पे हुआ करते थे, क्योंकि सपना दीदी के टाइम पे अरमान पे चैनल था तो सपना दीदी सैलरी बेसिस पे थी, लेकिन अब जो उनका चैनल है वो उनके पास अपना खुद का है। वैसे ही अब जो चैनल जो है सरोज भाभी और चला रहे हैं, वो दोनों चैनल उनके पास हैं, उस चैनल से अब अरमान का कोई लेना देना नहीं है। तो एक तरीके से जो सपना दीदी हैं वो सोर्स ऑफ इनकम पे जोर डाल रही थी कि हाँ यहाँ से भी पैसा आता है, यहाँ से भी घर गृहस्थी चलती है, अरमान भी मदद करता है वहाँ से, और यूट्यूब की भी पेमेंट यहाँ से आती है क्योंकि चैनल सब इनके पास हैं, और बाकी अपना जो ये सिलाई बुनाई करती है वहाँ से भी पेमेंट आती है, तो उस हिसाब से भी घर गृहस्थी चल रही है। लेकिन अगर यूट्यूब की इनकम की बात करें तो यूट्यूब की इनकम कभी भी फिक्स नहीं होती, आप जानते ही हैं, ये आपके व्यूज़ पर डिपेंड करता है कि आपके कितने व्यूज़ आ रहे हैं। पिछले काफ़ी समय से इन लोगों के जो चैनल हैं उस पर व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे हैं, और कई बार तो भैया की इस उद्दंड की वजह से जो है कालू भैया की वीडियोज़ बीच में रुक भी जाती हैं, बंद भी हो जाती हैं, 4-4, 5-5 दिन वीडियोस नहीं भी आती हैं, तो वो इनकम जो है वो फिक्स इनकम नहीं है। लेकिन जो खर्चे होते हैं ना वो फिक्स से भी ऊपर होते हैं। हम एक एस्टीमेट लगा के चलते हैं अपने महीने का कि हमारा महीने का इतना खर्चा है, लेकिन हमें नहीं पता होता कि कब अननेसेसरली खर्चे हमारे मुंह पे आ जाएं। मान लो किसी की तबीयत ख़राब हो गई, उस तबीयत ख़राब के टाइम पे हमारा एक इतना ह्यूज अमाउंट चला जाता है जो शायद हमारे पास शायद जितनी हमारे पास सेविंग भी नहीं होती है। तो YouTube की इनकम कोई फिक्स इनकम नहीं है, उनके पास जो भी पैसा आ रहा होगा मुझे लगता है उनकी घर गृहस्थी में ही जा रहा होगा। एक घर की मेंटेनेंस देनी, अपनी दवा का खर्चा करना, आप जानते ही उस समय से उनकी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, कोई फ्री की तो कहीं पे कोई मेडिसिन मिलती नहीं, हर चीज़ में आजकल मार्केट में आप अगर एक छोटी से छोटी चीज़ लेने भी जाओ तो 1,500 रुपये कैसे ख़त्म हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है ना। तो ये सब चीज़ें सिनेरियो यहाँ पे हो रहा है जो देख के अच्छा नहीं लगा। मुझे लगता है प्लीज़ जाके उन्हें समझाइए, उनको वापस अपने घर पे आने को बोलिए, इस तरीके से बच्चे और घर की जो बहू है वो कहीं और चली गई अपना खुद का घर छोड़ के, ये चीज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आई कि क्या उनको घर के लिए भी ताना दिया गया है या ये बोला गया, जैसे कि उन्होंने बोला भी कि इस घर के लिए भी ये लोग बोलते हैं कि 50% हिस्सा तो हमारा है,
ये घर तुम्हारा नहीं है, 50% हिस्सा हमारा है। और बहनें भी आके ये बोलती हैं कि ये हमारे मम्मी पापा का घर है, इस पर हमारा भी हिस्सा है। तो क्या इस हिस्से वाले टॉन्ट के परेशान होने की वजह से सरोज भाभी ने वो पूरा घर ही छोड़ दिया कि लीजिए अपना हिस्सा अपने पास ही संभालिए? लेकिन अगर हिस्से की बात है तो वो बच्चे जो तीन तीन बच्चे हैं जिनको घर का वंश बोला जा रहा है, अपने भाई से इतना मोहब्बत है तो भाई के बच्चों से तो उससे डबल मोहब्बत होनी चाहिए। अगर भाई की इतनी तारीफ हो रही है, भाई से आज इतना प्रेम और इतना कंसर्न नज़र आ रहा है कि मेरा भाई बहुत अच्छा है, मेरा भाई बहुत अच्छा है, तो उस भाई के बच्चों से मोह माया कहाँ चली गई? ये तो सोचो कि उस भाई के बच्चे कितना सफ़र कर रहे हैं इस वक्त। भाई ने तो अपनी ज़िंदगी जैसी बर्बाद करनी थी कर ही दी है, लेकिन इन बच्चों का आगे का भविष्य क्या होगा? बेटी है, बड़ी हो रही है, उसका आगे का भविष्य क्या होगा? तो प्लीज़ थोड़ा सा इस मैटर पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जिस तरीके से बाकी भरत मिलाप के लिए सब पहुंच जाते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पे इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंटरफेयर करने की, उन्हें समझाने की। शायद उनका दिमाग इस वक्त काम ही नहीं कर रहा है और उन्हें अकेला फ़ील हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरोज भाभी को इस वक्त फ़ील हो रहा है अकेलापन। उन्हें लग रहा है कि परिवार का कोई मेरे साथ ही नहीं है, कोई मेरा साथ ही नहीं दे रहा है। तो उनको ये चीज़ फील कराओ कि आप लोग उनके साथ हैं। वाया वाया वीडियो करने से कुछ भी नहीं होगा, अपनी प्रेजेंस उनके लिए दिखाओ, उनसे बात करो, उनकी जो बिखरी हुई घर गृहस्थी है उसको समेटने की कोशिश करो। आदमी तो उनका 3 महीना 13 महीने कम से कम बच्चे और भाभी इन लोगों को साथ करने की और अपने घर पर वापस लाने की कोशिश कीजिए। तो ये था आज का एक वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और सरोज भाभी को प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में आप भी ये लिखिए कि अपने घर वापस जाइए, वो आपका घर है, उस घर पर आपका हक बनता है, आप उस घर पे बहू बन के आए हैं, उस घर की लक्ष्मी है, आपसे ही वो घर है। बाकी सब अपने अपने घर में हैं, कोई वहाँ पे नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे आप आराम से रहिए। ऐसी दर दर की ठोकरें खाने से कोई मतलब नहीं है, उस घर में जाइए। आप भी कमेंट सेक्शन में उन्हें समझाइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।